जीव गर्भ में भगवान से क्या वादा करता है, क्या वह उसे निभाता है? आइए जानते हैं भगवान श्री कपिल मुनि माता देवहूति के संवाद से। माता देवहूति ने पूछा, मातृ गर्भ में तो जीव को बड़ा सुख मिलता होगा, न सर्दी है, न गर्मी है, न शोक है, न मोह। भगवान कपिल ने उत्तर दिया, यह मत पूछो माता, मां के गर्भ में जीव को जितनी वेदना होती है उतनी न पहले कभी हुई थी उसे और न कभी आगे होगी। गर्भवास समम दुहकम न भूतो न भविष्यति। इतना कष्ट होता है, हजारों छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु जो मातृ गर्भ में पलते हैं, ये जीव के कोमल त्वचा को काटते हैं। जीव तड़पता है, बिलकता है, पर वहां कौन सुने। यदि मां चटपटी वस्तु का सेवन कर ले तो इसको कष्ट होता है, मां कभी गर्म वस्तु का सेवन कर ले तो इसे दुख पहुंचता है। सातवां महीना आते ही जन्म जन्मांतर के कर्म इसको याद आते हैं और भगवान की स्तुति करने लगता है। तस्योपसन्नम वितुं जगदिच्छयातना नातनोर्भुवि चल्ल चरणारविंदम। अर्थात परमात्मा से कहता है कि हे भगवान, एक बार मुझे इस गर्भ से निकालो, गर्भ से बाहर करो प्रभु, आपका ऐसा भजन करूंगा कि फिर कभी गर्भ में नहीं आना पड़े। भगवान कहते हैं, तुम गर्भ में ही स्तुति करते रहो, बाहर आते ही इस कष्ट को तुम भूल जाओगे। जीव कहता है, सत्य कहता हूं, एक बार गर्भ से बाहर निकाल कर देखो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करता है। नौवां महीना पूर्ण हुआ, दसवां मास आरंभ हुआ और जैसे ही प्रसव की वायु का वेग आया, जीव मातृ गर्भ से तुरंत संसार में आ जाता है। जीव संसार में आते ही प्रभु को भूल जाता है और भक्ति रहित कर्म करके दुख भोगता है। गुरु साधु शास्त्र अनादि काल से कहते आए हैं, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, बाकी तो सब तो झूठ है, फरेब है, धोखा है। बुद्धिमान व्यक्ति ही हरि भजन कर सकता है। श्रीमद् भागवतम में भी यही उल्लेख है, जीव को मातृ गर्भ में इतना पीड़ा होता है कि वह भगवान को स्मरण करने लगता है। सोचिए कि हमें कोई अगर बंद कोठरी के अंदर एक महीने के लिए रखेगा तो क्या होगा। हमारा शरीर अनित्य है पर अंदर जो जीवात्मा है वह कभी नहीं मरता है। क्योंकि जीवात्मा भगवान का अंश है इसलिए वह भगवान को हर समय स्मरण करता है। परंतु इसे कोई भौतिक शरीर मिलता है और कोई ऐसी जगत में जन्म होता है तो उस जगत के वैष्णवी माया शक्ति के प्रभाव से वो भगवान को भूलकर उनके माया जगत में आसक्त हो जाता है। ऐसे ही जब जीवात्मा मातृ गर्भ में होता है तो वह भगवान को स्मरण करता है, फिर जब वो गर्भ से निकलकर संसार में आते ही उसका कष्ट कम हो जाता है। जीवन का उद्देश्य भूल कर समय को व्यर्थ किए जा रहे हैं। हमें समझना होगा कि जीवन प्राप्त क्यों हुआ है। यदि समय रहते समझ जाएंगे तो उचित ही है, नहीं तो इसी धरा पर प्रेत बनकर घूमना होता है, फिर भटकते रहते हैं और जीवित परिवार के सदस्यों से उम्मीद रखते हैं कि मृत्यु उपरांत वो हमें समय समय पर भोग तर्पण आदि द्वारा देंगे। लेकिन आज समय बदल गया है। आज का मनुष्य तो जीवित माता पिता को सही से नहीं रखता है, मरने के बाद तो कहां से कुछ करेंगे। इसलिए हमें अपनी यात्रा को इस प्रकार बढ़ा देना चाहिए ताकि मरने के बाद भी किसी के सहायता की आवश्यकता ना पड़े। मृत्यु के बाद यदि अपने ही घर में प्रवेश करने का प्रयास करोगे तो आपके ही परिवार के लोग किसी तांत्रिक से बंधवाकर भूमि में दबवा देंगे, फिर अनंत काल तक मंत्र बंधन में पड़े रहोगे। धन के साथ वो कर्म धन भी अर्जित करे जो मृत्यु के बाद काम आने वाले हैं। मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसे कोई नकार नहीं सकता। भागवत गीता में भी प्रेतों का वर्णन है। इस दिव्य ग्रंथ में कर्म से संबंधित फल का विस्तार से वर्णन किया गया है। आज समय है, कल तो मात्र पछतावा है।